वेलकम टू लोकिता व्लॉग्स। चैत्र नवरात्रि की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है दिन चैत्र नवरात्रि का, आज है दूसरा दिन जो कि माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माता ब्रह्मचारिणी अपनी शक्तियों के लिए जानी जाती है। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है, अर्थात हम उसको चारण से भी जान सकते हैं, चारण का अर्थ होता है आचरण। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आप सभी के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप कम से कम 10 सब्सक्राइबर आज मेरे इस वीडियो पे जुड़ने ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करिए और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वैसे भी हम लोग तो क्या बोलते हैं, हर चीज़ को डिले करने के लिए, अगर हम लोगों को कोई ये भी बोले कि हम डिले करने के लिए बहुत ही फेमस है, तो ये चीज़ गलत नहीं होगा। ये इंक्लूड मैं खुद को भी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग हर चीज़ जानते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग ये करते हैं कि नहीं, अभी तो टाइम है ना, लास्ट टाइम आने दो, लास्ट डेट आने दो, उसके बाद हम कर ही लेंगे। तो गाइस, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स पेयर्स होते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं, जिनकी इनकम 50,000 से अधिक होती है। लेकिन फिर भी अगर जो लोग इतना नहीं भी कमाते तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम से पैन कार्ड को बनवाते हैं। गाइस, अगर आप भी हैं एक टैक्स पेयर तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। गाइस, जो आयकर विभाग है, पैन कार्ड से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो आप लोगों के लिए क्यों है। तो जो आयकर विभाग है, उसने 2022 में ही जारी कर दिया था कि मार्च 2023 के एंड तक आपको कैसे भी अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना है, और इसकी लास्ट डेट है 31st of March, और 1st of April से आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो किसी भी काम में नहीं आएगा। आप लोगों को बहुत ही मैं अच्छी बात बता रही हूँ, इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपको इसको लिंक करने का बहुत ही सरल तरीका बताने जा रही हूँ, क्योंकि जितना काम आप लोग पैन कार्ड से करते हैं, चाहे वो होटल्स के बिल्स हों, कहीं पे आपको घर खरीदना हो, प्रॉपर्टीज़ खरीदनी हो, या कहीं पे ज़्यादा पैसा आपको डिपॉजिट करना हो, या बैंक से आपको लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, ये सब चीज़ के लिए आप पैन कार्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन अब 1 अप्रैल से आप पैन कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसका सबसे सरल तरीका ये है। मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन उसके साथ ही साथ एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको लिखना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कैपिटल्स में UIDPAN स्पेस 12 अंकों का आपको अपना आधार नंबर डालना है, इसके साथ ही स्पेस देके आपको 10 अंकों का अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें से आपको ये मैसेज 567678 या फिर 56161 पर आपको भेज देना है, जो कि ये वेबसाइट है, या जिस भी आप इस नंबर पे जब मैसेज करेंगे तो आपका जो दोनों कार्ड है उसमें से आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, और पैन कार्ड में जैसे कि पापा का नाम होता है तो वो पिता का नाम मैच करेंगे, आपका एड्रेस मैच करेंगे, और फिर उसके बाद आपको एक OTP आ जाएगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। आज अपलोड कर रही हूँ तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू।